फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी किचन। अनवी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी बूंदी का रायता बनाने के लिए, तो आज मैं आपके लिए बूंदी का रायता की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फटाफट देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती है, तो आइए देख लेते हैं। तो ये है बूंदी, बूंदी के रायते के लिए, और ये है दही कम से कम 200 ग्राम, हींग एक पिंच, यह है लाल मिर्च पाउडर कम से कम एक चम्मच, यह है ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, आप यहाँ पे वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यह है जीरा, आप चाहे तो यहाँ पे जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे साबुत जीरा यूज़ किया है, यह है धनिया पत्ता, यह है पुदीने की सूखी पत्ती, और यह है हरी मिर्च कम से कम एक। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और थोड़ा सा पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें बॉयल पानी में अपनी बूंदी को बॉयल करना है कम से कम एक से दो मिनट के लिए, और हम इसे बीच में चेक करते रहेंगे कि हमारी बूंदी सॉफ्ट हुई है या नहीं। तो आपको बीच में इसे चेक करना है, देखिए अभी हमारी बूंदी टाइट है, मतलब सॉफ्ट नहीं हुई है। तो ये देखिए हमारी बूंदी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें बीच बीच में चेक करना है कि कहीं बूंदी ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, वरना ये खड़ी सी नहीं रहेगी और बिल्कुल पिघल जाएगी दही में। तब इसे हम निकाल लेंगे ऐसे ऐसे चाल के। तो ये है दही। तो हमारी ये बूंदी जो बॉयल हो चुकी है, देखिए ऐसे सॉफ्ट हो चुकी है इस तरह से। तो अब इस बूंदी को हम दही में डाल देंगे और इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये है पानी। तो मुझे ये अपना रायता थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इस थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप गाढ़ा खाना पसंद करते हैं तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है इसको। अब मैं डालूँगी यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर कम से कम एक चम्मच, यह है हरी मिर्च, अब मैं ऐसे मिक्स कर दूँगी। नमक हम बाद में डालेंगे, ताकि नमक से अक्सर ही पानी छोड़ देता है, तो इसलिए मैं नमक एकदम लास्ट में डालूंगी। तो अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो हम मैं आपको मस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी बता देती हूँ। देखिए ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, इतना मैंने डाला है। फिर थोड़ा सा मैं हाफ और लूँगी। तो कम से कम 1.5 चम्मच हमें यहाँ पर तड़का लगाने के लिए ऑयल चाहिए। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तब हम डाल देंगे इसमें जीरा। जीरे को हमें ब्राउन करना है। ये देखिए हींग, तो इतनी हमें हींग डालनी है कम से कम एक पिंच। आप चाहे तो यहाँ पे जीरा पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ये खड़ा जीरा यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब रायता आप खाते हैं तो ये जीरा का क्रंचीनेस जब मुँह में आता है तो उसका फ्लेवर अलग आता है। तो अभी तड़का हमारा तैयार है, इसे हम डाल देंगे। मुझे एक्चुअली खड़ा जीरा बहुत पसंद है रायते में। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यह है ब्लैक सॉल्ट, तो मैंने यहाँ पे काला नमक यूज़ किया है। आप वाइट नमक भी नमक यूज़ कर सकते हैं, बट काला नमक हेल्दी भी होता है और रायते में काला नमक से ज़्यादा फ्लेवर आता है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। अब यह है मिंट लीव्स, तो मैं इसे हल्का सा क्रश करके इसमें डालूँगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये मिंट लीव्स हेल्दी भी होती हैं, तो मैंने इसमें क्रश कर दिया है। इसे मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत फटाफट बन जाती है। अब डालेंगे हम धनिया पत्ता। तो ये देखिए बस हमारा बूंदी का रायता एकदम रेडी है। इसे आप फ्रिज में रख के थोड़ा देर ठंडा होने रख दीजिए और इसको खाने के साथ में सर्व करिए। तो ये हमारी बूंदी का रायता बनके तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक करना ना